देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली बार राजगीर में पीएम मोदी का आगमन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने अपने लाभ लश्कर के साथ पहुंचेंगे। राजगीर में पीएम का आगमन पहली बार हो रहा है। पीएम मोदी आज यूपी और बिहार का करेंगे दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे। सुबह 10:30 पर प्रधानमंत्री बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज अपराह्न 3 महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित होगी। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। ओडिशा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आज भुवनेश्वर विधानसभा में शपथ लेंगे। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष रणेंद्र प्रताप स्वयं विधायकों को शपथ दिलाएं। वर्धा में पुलिस भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जिला पुलिस विभाग के सिपाही पद के 20 जगह के लिए 2091 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुलिस मुख्यालय के ग्राउंड पर भर्ती प्रक्रिया 22 जून तक चलने वाली। भीषण गर्मी और लू के कारण बिहार में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पटना डीएम शीर्षक कपिल अशोक आईएएस ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी हीट वेव के कारण स्कूल बंद करने के आदेश जिलाधिकारी की ओर से आ सकते हैं। रायपुर से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सेवाओं और सुविधाओं में विस्तार का हवाला देकर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। रद्द ट्रेनें आज 10 जुलाई तक नहीं चलेंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ग्रुप स्टेज अब 40 मुकाबलों के साथ पूरा हो चुका है। अब सुपर 8 राउंड के मुकाबले आज से शुरू होंगे। उत्तर भारत में भीषण हीट वेव का अलर्ट। बता दें कि देश का उत्तरी इलाका जहां भीषण हीट वेव से झुलस रहा है, वहीं उप हिमालय इलाके और उत्तर पूर्व के कुछ राज्य जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे हैं। वहीं आज जम्मू कश्मीर, उत्तर मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और उत्तरी राजस्थान में आज तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। आज से 5 दिवसीय पटना सिने फेस्ट फिल्म महोत्सव की शुरुआत। बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सहभागिता के साथ सिने यात्रा और हाउस ऑफ वैरायटी की ओर से कुछ खास किया जा रहा है। पटना में 5 दिवसीय सिने फेस्ट फिल्म महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। ये आयोजन रीजनल सिनेमा परिषद के हाउस ऑफ वैरायटी में होगा और कार्यक्रम की शुरुआत गुजराती फिल्म कायो कलर से होगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1910 में आज के दिन वॉशिंगटन में पहला फादर्स डे मनाया गया। साल 1970 में आज के दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म हुआ था। साल 1981 में आज के दिन भारत ने अपने भू स्थैतिक उपग्रह एप्पल का सफल प्रक्षेपण किया था। साल 1991 में आज के दिन सोवियत संघ ने हंगरी को अपने कब्जे से आजाद किया था। साल 2007 में आज के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सूचना मंत्री के पद से मोहम्मद अली दुर्रानी को हटाया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।